महिला ने उस व्यक्ति को दफना दिया और उसके चेहरे पर अपना इस्तेमाल किया हुआ अंडरवियर डाल दिया। कुछ शताब्दियों बाद मिलेंगे, ये कहकर उसने ढक्कन बंद कर दिया। दो शताब्दियों पहले इसमें लोगों को दफनाया गया था और दो शताब्दियों के बाद एक बार सड़क की मरम्मत करते समय मजदूरों के एक दल को यह ताबूत मिला। इसके चारों ओर जटिल ढंग से लिपटी लोहे की जंजीर को देखकर उन्होंने अनुमान लगाया कि उन्होंने कुछ कीमती वस्तु खोज निकाली है। उन्होंने बोल्ट कटर लिया और लोहे की चेन काट दी, लेकिन अगले ही पल ताबूत से सफेद धुआं निकलने लगा। मजदूरों में से एक बच नहीं सका और ताबूत से काली छाया के साथ हवा में उठ गया। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने इतना भयानक प्राणी छोड़ दिया है। जल्द ही निर्माण स्थल पर केवल एक ही व्यक्ति बचा। उसने सुरंग के माध्यम से भागने का प्रयास किया, लेकिन तेजी से पकड़ लिया गया। बरनबास वह पिशाच जो 200 वर्षों से सोया हुआ था, वह खून की प्यास को रोक नहीं सका। इस बात से अनजान कि 200 साल बीत चुके थे, बार्नबास ने शहर में लगे जीवंत विज्ञापनों पर नजर डाली और गलती से उन्हें जादू टोना समझ लिया। करीब से देखने पर उन्हें पता चला कि सड़कों पर लोग सामान्य थे, अपनी यादों का उपयोग करते हुए।